हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं झारखंड राज्य के बोकारो ज़िला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियोस को पूरा देखिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप अपने ज़िला के बारे में जानना चाहते हैं तो भी हमें नीचे कॉमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो बोकारो ज़िला, यह ज़िला भारत देश के झारखंड राज्य में स्थित झारखंड के कुल 24 ज़िलों में से एक बोकारो ज़िला के नाम से जाना जाता है। बोकारो ज़िला झारखंड के पूर्व भाग की ओर का ज़िला कहलाता है, जिस वजह से इस ज़िले की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से मिलती है। इस ज़िले का हेडक्वार्टर ऑफिस बोकारो स्टील सिटी शहर में मौजूद है, और बोकारो ज़िला उत्तरी छोटा नागपुर मंडल के अंतर्गत आता है। बोकारो ज़िला पहले धनबाद और गिरिडीह ज़िले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज के मौजूदा समय में बोकारो को धनबाद और गिरिडीह ज़िला से अलग करके एक ज़िला बोकारो बना दिया गया है। धनबाद ज़िला से 2 ब्लॉक और गिरिडीह ज़िला से 6 ब्लॉक लेकर बोकारो ज़िला को बनाया गया था। बोकारो ज़िला के पड़ोसी ज़िला के नाम रामगढ़ ज़िला, गिरिडीह ज़िला, हजारीबाग ज़िला और धनबाद ज़िला है। बोकारो ज़िला में 2 अनुमंडल, 9 प्रखंड, 2 लोकसभा, 5 विधानसभा, 151 डाकघर, 15 पुलिस स्टेशन, 1 सदर अस्पताल, 1 नगर परिषद, 1 नगर निगम, 249 ग्राम पंचायतें, 10 शहर और 751 गाँव में बटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो बोकारो ज़िले का कुल क्षेत्रफल 2883 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और बोकारो ज़िला में रहने वाले परिवारों की कुल संख्या 3,95,000 है। आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बोकारो ज़िला की कुल आबादी 20,62,000 है, जिसमें कि पुरुष की कुल आबादी 10,73,000 और महिला की कुल आबादी 9,89,000 है। बोकारो ज़िले का औसत लिंगानुपात 922 के करीब है, यानी कि यहाँ पर 1,000 पुरुष पर 922 महिला हैं। बोकारो ज़िला में हिंदू धर्म की आबादी 81% तथा मुस्लिम धर्म की आबादी 18% है। बोकारो ज़िला की मुख्य नदी का नाम दामोदर नदी है। दामोदर नदी के किनारे पर बसा यह ज़िला झारखंड की राजधानी रांची से महज 85 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 1210 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। शिक्षा की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूल व कॉलेज हैं, जिसके माध्यम से यहाँ के बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे इस ज़िले की साक्षरता दर 72% है, यानी कि यहाँ के आबादी के अनुसार 72% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष व महिला दोनों शामिल है। इस ज़िले के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम इस प्रकार हैं: बोकारो स्टील सिटी कॉलेज, RPS कॉलेज, बोकारो महिला कॉलेज, स्वामी सहजानंद कॉलेज, ये सभी इसी ज़िला में मौजूद हैं। व्यवसाय की बात करें तो बोकारो ज़िला के 20,62,000 की आबादी में 6,85,000 लोग काम करने वाले वर्कर हैं, जो कि यहाँ की आबादी के 33% हैं। वैसे ज़िला में बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो थर्मल पावर, तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन, गोमिया बारूद फैक्ट्री आदि नाम से कई ऐसे प्लांट हैं जो कि लोगों को रोज़गार प्रदान करते हैं। सड़क रास्ते की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे छोटे बड़े सड़क हैं, जिसके माध्यम से यहाँ के लोग झारखंड के बड़े बड़े शहरों में जा सकते हैं। वैसे इस ज़िला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 23 और नेशनल हाईवे संख्या 32 गुजरती है, जो आगे चलकर झारखंड के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती है। यह ज़िला बस के माध्यम से भी पड़ोसी ज़िला और ज़िला के छोटे बड़े गाँवों तक भी बस सेवा
मुहैया प्रदान कराती है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो बोकारो जिला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन चंद्रपुरा जंक्शन है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि बोकारो जिला में कुल 18 रेलवे स्टेशन है, जिसमें कि हॉल्ट रेलवे स्टेशन भी शामिल है। दोस्तों, बोकारो जिला के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं।